हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को अस्पर्श किताब से एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है बड़े भाई साहब, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। तो इस पाठ में लेखक बड़े भाई के दायित्व को बता रहा है। एक बड़ा भाई का छोटे भाई के प्रति क्या दायित्व होता है उसे बता रहा है। पाठ में दर्शाया गया है एक बड़ा भाई होना कितना दायित्वपूर्ण है, कितना उत्तरदायी होना चाहिए एक बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति। तो बड़ा भाई जो है वह बड़ा ही मेहनती है, जो दिन रात पढ़ते रहता है। दिन रात पढ़ने के बावजूद भी वह प्रतिवर्ष कक्षा में सफल नहीं हो पाता है। वह रटंत विद्या पर व्यंग करता है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है यह रटने की व्यवस्था पर जोर देती है, जिस पर इस पाठ के माध्यम से व्यंग किया गया है। छोटा भाई थोड़ा शरारती है, उसका मन पढ़ने में नहीं लगता है, वह हमेशा खेलना ही चाहता है, जबकि बड़ा भाई उसे समझाते रहता है। जब भी छोटा भाई खेल कर आता है, बड़ा भाई उसे डांटता है, जो कि छोटे भाई को अच्छा नहीं लगता। बड़ा भाई दिन रात पढ़ता है, फिर भी वह कक्षा में पास नहीं हो पाता। तो और छोटा भाई बहुत कम पढ़ता है, फिर भी अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे से पास हो जाता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से बताना चाहता है कि सिर्फ रटने से ही पढ़ाई नहीं हो जाती है, दिमाग साफ होना चाहिए। छोटा भाई कम ही पढ़ता है, लेकिन उसका दिमाग शार्प है। बड़ा भाई छोटे भाई को अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए वह नहीं चाहता कि छोटा भाई हमेशा खेलता ही रहे। छोटा भाई बड़ा भाई की लाख मना करने के बावजूद भी खेलने चला ही जाता है। जब वह खेल कर आता है तो बड़ा भाई का पहला यही प्रश्न होता है, कहाँ थे? इसे सुनकर छोटा भाई डर जाता है और चुपचाप कमरे में चला जाता है। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता उपदेश देने से नहीं चूकते, तरह तरह का उदाहरण दे करके छोटे भाई को समझाते, डांटते, फटकारते, लताड़ते, परंतु ये सब चीज़ें छोटे भाई को पसंद नहीं, क्योंकि वह छोटा है। उसे नहीं मालूम कि बड़ा भाई साहब जो समझा रहे हैं उसी के फायदा के लिए है। कभी छोटा भाई गुस्से में आकर सोचता है कि पढ़ाई छोड़ दें, घर चले जाएं, लेकिन यह भी नहीं होता है। बाद में सोचता है कि नहीं, अगर बड़े भाई साहब समझाते हैं तो मेरे लिए समझाते हैं। अतः चटपट एक टाइम टेबल बना लेता है कि अब से खेलना बंद, सिर्फ पढ़ाई करूँगा। पढ़ाई का टाइम टेबल भी बनाता है, लेकिन टाइम टेबल बना लेना और उसको जीवन में अमल करना या उसको लागू करना, दोनों दो बातें हैं। वह टाइम टेबल तो बना लेता है, लेकिन जैसे ही खेलने का समय आता है, दूसरे बच्चे आते हैं, उसे इशारा करते हैं, वह सारा टाइम टेबल छोड़ करके चला जाता है खेलने के लिए, और खेल कर आता है, फिर बड़े भाई साहब को मौका मिल जाता है, वे उसे डांटने लगते हैं, उपदेश देने लगते हैं। एक दिन ऐसी बात होती है कि छोटा भाई बाजार के कुछ लड़कों के साथ पतंग
कटे हुए पतंग के पीछे दौड़ रहा है पतंग लूटने के लिए। तब तक बड़े भाई साहब आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, उसे समझाने लगते हैं, डांटने लगते हैं, कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि मैं फेल हो गया हूँ तो तुम्हें डांटने का मुझे अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बड़ा ही पैदा हुआ हूँ और बड़ा ही रहूँगा। अतः वे थप्पड़ दिखाकर कहते हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। छोटा भाई इस चीज़ को समझ जाता है और स्वीकार करता है कि नहीं, आपने जो कहा वह सही है, आज से मैं आप ही का बात मानूंगा। और तब बड़े भाई साहब एक उड़ते हुए पतंग को पकड़ लेते हैं और लेकर दौड़ते हुए चले जाते हैं। साथ साथ में छोटा भाई भी कमरे पर जाता है। बड़े भाई साहब उसे हमेशा समझाते रहते हैं। इस पाठ में ये बताया गया है कि वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है, जो रटने की व्यवस्था पर जोर देती है, वह सही नहीं है। जो पढ़ाया जाता है बच्चों को समझ में आना चाहिए और वे अपने जीवन में उसे चरितार्थ करें, उतारें, तभी यह पढ़ाई सार्थक हो। इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी, अंग्रेजी जो भी विषय हैं, सभी विषयों में जो नाम रटने पड़ते हैं, छोटी सी बात को बड़े करके लिखना होता है, कहना होता है। गणित में अलजबरा पर व्यंग किया गया है, अंग्रेजी में जो लिखने की कला पर व्यंग किया गया है, हिंदी में निबंध लिखने की कला पर व्यंग किया गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए जिससे जीवन में काम आए, जो जीवन में काम आए और जीवन सार्थक हो। सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है।